संतों का आना लगातार जारी है, ये आप देख रहे हैं। ये नगाड़े बजाते हुए संतों का प्रवेश साई स्नान घाट की तरफ पार्श दिखाइए, ये देख रहे हैं आप। अखिल भारतीय वैष्णव तीनों अनि अखाड़े, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा, यहाँ से संतों का प्रवेश अंदर कुंभ मेले में। ये ऊँटों पर बैठ के सवारियों के साथ, ये देखिए सामने लाठी घुमाते हुए श्रद्धालु, ये तीनों अखाड़े एक साथ एक बैनर के तले एकता का संदेश देते हुए, ये देख रहे हैं आप। ये साधु कर्तव्य दिखाते हुए, ये देखिए तलवारबाजी के कर्तव्य दिखा रहे हैं ये साधु। सारे अखाड़े लगातार शाही स्नान की तरफ बढ़ते हुए, ये देख रहे हैं आप, गाजे बाजे के साथ। और आगे ये अपने प्रतीक चिन्ह जो दंड के रूप में है, ये सन्यासियों का आभूषण माला, कंठी तुलसी की माला और सशस्त्र बिल्कुल पेशवाई अंदाज में, शाही अंदाज में, ये सभी शाही स्नान की ओर क्रम से बढ़ते हुए देखिए, जय जय श्री राम के जय घोष करते हुए संत लोग ये आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लगातार सभी शाही स्नान के लिए जाते हुए पेशवाई, इसी को कहा जाता है, पुलिस सुरक्षा में है सब, प्रशासन की तरफ से कोई कोर कसर नहीं। ये श्यामा शरण देवाचार्य श्री जी महाराज की सवारी, श्री जी महाराज जो स्वयं भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, उनके महंत की सवारी आते हुए, सभी लगभग शाही स्नान की ओर बढ़ते हुए, ये अपने अपने बैनर झंडे डंडे और तलवार भाले, जो प्राचीन समय में पौराणिक समय में जो अस्त्र होते थे, उन अस्त्रों के साथ सुसज्जित होकर ये देख रहे हैं आप। संत महंतों की टोली शाही स्नान घाट की ओर जाते हुए, बहुत सुंदर नजारा, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश से साधु संत यहाँ यमुना के घाट पर इकट्ठे हो गए। और क्यों भी ना हो, ये भगवान का श्री खुद का घर है। आइए देखिए, राधे 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 राधे, ये हनुमत कृपा नगर की सवारी और संतों का आना लगातार जारी, बहुत उत्साह में श्रद्धा और भक्ति से लवरेज जय श्री राम के नारे लगाते हुए, यमुना मैया की जय करते हुए। देखिए गिरिराज खालसा के संत, ये देखिए और भी संत महात्मा आते हुए, बहुत विशाल शोभा यात्रा, लगता है पूरे पूरे देश से संत यहाँ आए हुए हैं, और कोई भी इस पूर्ण अवसर से स्नान करने से वंचित नहीं रहना चाहता है। आज यमुना में जल का स्तर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जैसा कि न्याय टीवी ने दिखाया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि यमुना में शुद्धि
बहुत कुछ हद तक हो गई है। संतों की नाराजगी को दूर करने का शासन स्तर से पूरा प्रयास किया गया है। ये देखिए दिगंबर अखाड़े के साधु संत कुछ नागा हैं, कुछ कपड़े पहने हुए हैं। यह विविध हमारा देश विविधताओं का देश है, यह विविध संस्कृति के लोग होते हैं और ये अनेकता में एकता विविधता जो हमारे देश की है वो इस मेले में स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये देखिए बराबर संतों का आना जारी है, अपार जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। लग ही नहीं रहा है कि अभी 10 महीने पहले यहाँ कोरोना था और हमें शाही स्नान घाट पर और यहाँ लगातार संतों का आना जारी है। आम पब्लिक को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस प्रशासन इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ये देखिए श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हुए लगातार संत महात्माओं का आना जारी है कि यहाँ कोरोना नहीं है क्या महाराज जी? तो सबने कहा ये राधा रानी की स्थली है और यहाँ कोरोना क्या, यहाँ कोई भी रोग नहीं आ सकता है, रोग यहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं, ये सब राधा रानी की कृपा है। आप दिखाएं जरा इधर, ये अत्यधिक वृद्ध संत जिन्हें सहारा देकर ले जा रहे हैं, ये भक्ति अन्यत्र कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो यहाँ दिखाई दे रही है। जैसा कि शाही स्नान घाट पर आप देख रहे हैं संत पहुंच चुके हैं सभी स्नान के लिए जाते हुए, हम संतों के बीच हैं और देखिए प्रशासन सजग दृष्टि बनाए हुए हैं। के साथ साथ होली का भी उत्सव यहाँ देखा जा रहा है। Oh, my God.
संत महाराज, महाराज जी आप कहाँ से पधारे? खास चौक तेरा भाई त्यागी। तेरा भाई त्यागी पे जी तो आपके शाही स्नान हो गया जी। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा से कुंभ लगा, बबी मेला सुंदर लगा। हाँ, और जो है जो हमारा जो है आज ये जो शाही स्नान है सबसे बढ़िया हुआ। बोलिए महाराज जी, क्या बोलना चाहेंगे? हम नर्मदा खंड से पधारे हैं। अच्छा, नर्मदा खंड से। हाँ, महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंदमय। तो यहाँ कुंभ के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? पहली बार पधारे हैं, बहुत हर कुंभों से यहाँ और अति उत्तम लगा। पुराने महात्मा लोग बताते कि अगले साल इतनी व्यवस्था नहीं थी अगले कुंभ में, इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था हुई और ठाकुर जी की नगरी में बहुत बढ़िया आनंदमय बेटा। ठीक है महाराज जी।